हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरकारी इन्फो गुरु। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम 16 नवंबर को दोस्तों सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है आज का दोस्तों, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों, घूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये दोस्तों राजस्थान से संबंधित है। वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल कौन है दोस्तों? कर्नाटक के राज्यपाल बनाएंगे दोस्तों थापड़ चंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? बंगाल विभाजन के समय हुई थी, 7 अगस्त सन 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जब दोस्तों लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है दोस्तों? तो नियाग्रा जलप्रपात है दोस्तों कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2019 का ऑक्सफोर्ड ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया था दोस्तों? संविधान को घोषित किया, ये दोस्तों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन। रामकृष्ण बजाज अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों? गौतम अडानी को दिया गया, रामकृष्ण अवार्ड। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों, इगाज नामक त्यौहार किस स्थान पर मनाया जाता है? तो दोस्तों इगाज नामक त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, वर्ष 2019 का संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? तो दोस्तों वर्ष 2019 तक अब तक 126 संविधान संशोधन हो चुके हैं, और ये दोस्तों काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल सन 1948 ईस्वी को दोस्तों WHO की स्थापना की गई थी। दोस्तों एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि GST को कब लागू किया गया था? तो दोस्तों आप जानते होंगे GST 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, काल बेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों राजस्थान के दो लोक नृत्य पूछे गए थे, ये भी राजस्थान से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, मालाबार युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों ये दो है, भारत अमेरिका जापान के बीच होता था अब तक दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को इसी साल शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों रजनीकांत को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? काफ़ी सिंपल था, साहित्य के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? विश्वभूषण हरिचंद्र को दिया गया है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नीति आयोग के CEO कौन है? तो दोस्तों नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। 1857 की क्रांति कहाँ से हुई थी दोस्तों? उत्तर प्रदेश के मेरठ से हरित क्रांति जो है 1857 की क्रांति दोस्तों शुरू हुई थी। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अनुच्छेद 143 में क्या विशेष है? तो दोस्तों 143 में राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से विचार विमर्श करता है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों, विषुवत रेखा को दो बार पार करने वाली यानी दोस्तों काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी दोस्तों। और प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप दिवस को जरूर याद करके जाएँ, क्योंकि दोस्तों एक दिवस या दो दिवस हर एग्जाम में आपके पूछे ही जा रहे हैं। विटामिन ए का नाम क्या है दोस्तों? रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा गया था दोस्तों, अभी फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों क्या पूछा गया था? विटामिन सी का पूछा गया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन है दोस्तों? दयानंद सरस्वती हैं दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक हैं। इनकी आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1875 ईस्वी में।